शुभ प्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में हमने तीसरे और चौथे प्रश्न को देखा था। इस वीडियो में हम पांचवें और छठे प्रश्न को देखेंगे। पांचवें प्रश्न में एमसीक्यू के रूप में प्रत्यय शब्द को अलग करना है, उचित प्रत्यय उपसर्गों को अलग करना है। पहला शब्द है अभिप्रत्यय। जब भी यह बनेगा तो उसमें लैब प्रत्यय होगा, लैब में यह जुड़ता है। लैब प्रत्यय जब भी बनेगा तो उसके आगे उपसर्ग होगा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभ्युपसर्ग है, पद धातु है और लैब प्रत्यय। उसी तरह निबद्ध यह है क्या? तो डी उपसर्ग, पद धातु और लैब प्रत्यय। कुर्वाणा, कुर्वाणा में क्री धातु और सानच प्रत्यय लगा, सानच प्रत्यय लगा हुआ है। निशर्तुम तुमुन प्रत्यय हो गया, तो नी धन श्री धातु और तुमुन प्रत्यय। गृहित्वा त्वा प्रत्यय, तो कर्त्वा प्रत्यय, गृह धन अत्वा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी कि प्रश्न निर्माण करना है, कि प्रश्नवाचक शब्दों की जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। पहला है शेनेन मुष्कः दृष्टः, चील के द्वारा या चील से, चील ने मुषक को देखा। सेनेन तो यहां हो जाएगा केनेन, के के उसका दृष्टा, किसने मूषक को देखा। असमानेषु मैत्री न युक्ता, असमानतों असमानताओं में मैत्री नहीं युक्त होती है। क्या नहीं होती है? तो यहां के आवयो भोजनम दुर्लभ, हम दोनों का भोजन दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? कि भोजन आवयो किम दुर्लभ है। मुस्कस दशा सोच निया अभवत, मुस्कस कस धातु है कि यहां हो जाएगा कस्य, कस्य दशा सोच निया अभवत। मार्गे माणुकः अवदत, मार्ग में मेढक ने कहा या बोला। मार्गे सत्री व्यक्ति हो जाएगा अस्मिन, कस्मिन माणुकः अवदत, कब मेढक ने बोला। इस प्रकार विद्यार्थी आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। धन्यवाद।